देखिए हम सम्मान के साथ सशक्तिकरण बिना तुष्टिकरण के सशक्तिकरण के पक्ष में हैं, डेवलपमेंट विद डिग्निटी के हम पक्ष में रहे हैं और अल्पसंख्यक समाज के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए ईमानदारी के साथ, मजबूती के साथ हम काम करते रहे हैं। हज सब्सिडी 2018 के हज के बाद नहीं रहेगी, 2018 में के हज में नहीं रहेगी। और इस बार जो है वो खुशी की बात है कि आजादी के बाद से सबसे ज्यादा हज यात्री 1,75,000 हज यात्री हज करने के लिए जाएंगे। जो हज सब्सिडी थी उस हज सब्सिडी का जो समाज के शैक्षणिक सशक्तिकरण में इस्तेमाल होगा, खासतौर से लड़कियों, बच्चियों के, लड़कों, महिलाओं के शैक्षणिक एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि जो है वो जो शिक्षा के क्षेत्र में एक पिछड़ा हुआ है समाज, उस शिक्षा के क्षेत्र में उसको बराबरी का एहसास कराया जा सके, उसका सशक्तिकरण कराया जा सके, और इसलिए जो है वो हज सब्सिडी खत्म कर दी गई।